नमस्कार, मी आशा. आज इंडियन टीव्ही न्यूज मध्ये आपलं सर्वांचे स्वागत आहे. तर आजचा आपला कार्यक्रम आहे काय म्हणतात. तर आजच्या आपल्या या शो मध्ये सर्वात पहिले मी स्वागत करेल महेश भिवंडीकर सर, दिनेश गुप्ता, स्मिता मुलानी आणि आपल्यासोबत अजून दोन स्टुडंट पण आहेत. तर त्यांची नाव आहेत विशाल मोरिया, सुजित पाल आणि माझ्यासोबत आहेत महादेव पंजाबी सर आणि श्याम फुलवाडे. सर्वात पहिले सर्वांचे आमच्या ह्या शो मध्ये स्वागत आहे. धन्यवाद. धन्यवाद सर. मॅम, सर सर्वात पहिला माझा प्रश्न राहील दिनेश गुप्ता सर तुम्हाला. आजचा आपला आजचा शो आहे माइंड डे. तर आज माइंड डे बद्दल तुम्ही काय सांगणार नागरिकांना. आज माइंडसेट डे आहे आणि या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून, या चॅनलच्या माध्यमातून तमाम जे दर्शक आहे, जे मला ऐकताय किंवा जे युट्यूबच्या माध्यमातून किंवा आपल्या टीव्हीच्या माध्यमातून जे लोक ऐकतात त्यांना मी माइंड डेची खूप खूप शुभेच्छा मी देतोय त्यांना. आणि आज जे माइंडसेट डे, माइंडसेट म्हणजे काय असतं, माइंड म्हणजे काय असतं, हा महत्वाचा एक आहे. कारण जे काय असतात, माझं असं मन आहे आणि हा एक कोट आहे माझा स्वतःचा, की आपण जे काय बघतो आपल्या आयुष्यात ते सर्व कुठे ना कुठे माइंडसेटचंच एक निर्माण आहे. माणूस चांगला होतो तर माइंडसेटमुळे चांगला होतो आणि वाईट होतो तरी तो माइंडसेट मुळे होतो. कुठलीही गोष्टी दोन वेळा तयार होते. जे काय आज तुम्ही आजूबाजूला बघताय ना, हे कॅन चेंज हिज लाईफ बाय चेंजिंग हिज ऍटिट्यूड. माणूस जो आहे आपल्या आयुष्याला चेंज करू शकतो, फक्त त्याला आपला ऍटिट्यूड चेंज करायचा आहे. पण आता ऍटिट्यूड हा निगेटिव्ह मध्ये गेला, मग लोकांनी बिलीफ शब्द आणला. कारण त्यानंतर जे दुसरे शास्त्रज्ञ आले त्यांनी सांगितलं, ह्युमन कॅन चेंज हिज लाईफ, व्हॉट एव्हर माइंड ऑफ मॅन कन्सीव्ह अँड बिलीव्ह इट कॅन बी अचीव्ह. इंसान का दिमाग जिस चीज पर विश्वास करता है, जिस चीज पर भरोसा करता है और उसे वो चेंज कर सकता है, उस सिचुएशन को चेंज कर सकता है. म्हणजे आमच्या मध्ये एक व्हायब्रेशन असतात. माइंडसेट ये कोई साधारण चीज नहीं सर. मॅम, ये तीन चीजों का कमाल है. पहले तो आपका जागृत मन होता है. मन दो भाग में है, जागृत मन है, अर्ध जागृत मन है और लास्ट में आता है व्हायब्रेशन. देखो, कई बार ऐसा होता है, हम जब किसी के पास जाते हैं ना तो हमको बहुत अच्छा फीलिंग होता है और किसी के पास जाते हैं तो बहुत निगेटिव फीलिंग होती है. कुछ जगह पे हम जाते हैं तो निगेटिव फीलिंग होती है और कुछ जगह पे जब हम प्रार्थना स्थल पे जाते हैं, कोई भी प्रार्थना स्थल होने दीजिए, जब हम जाते हैं तो वहां की पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आती है. दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन. तो हमारा माइंडसेट हमारे वाइब्रेशन को डिसाइड करता है और ये बहुत जरूरी है कि अपने माइंडसेट को सेट कीजिए. क्योंकि जब आपका माइंडसेट सेट हो जाता है ना तो चार चीज आपके लाइफ में होने लगती है. चार चार जादू, चार मैजिक आपके लाइफ में होती है. एक, आप जल्दी उठते हो. एक, आप जल्दी उठना शुरू कर देते हैं. दूसरा, आप डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं. तीसरा, आप कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलते हैं. और चौथा, आपको लाइफ में क्या करना है उसका मकसद मिल जाता है. तो ये चार चीज बहुत जरूरी है माइंडसेट के लिए. तो मेरा ऐसा मानना है कि हर एक को, जितने लोग, तमाम जो व्यूवर्स सुन रहे हैं हम लोग को इस चैनल के माध्यम से, हर एक ने आज के दिन बैठ के थोड़ा सा, आज 22 मई के दिन बैठ के उन्होंने अपना माइंडसेट कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है. थैंक यू सर, बहुत अच्छा दिया आपने, सबको बहुत अच्छी सजेशन दिया है. महेश सर, तुम्ही काय सांगणार ह्या गोष्टीवर. मला विद्यार्थ्यांना सर्वांना एवढंच सांगायचं आहे की हे जे 50-60 दिवस आपल्याला मिळाले आहेत, तर आपण पुढच्या भविष्याची तयारी करायला हे खूप सुंदर दिवस आहेत. माझं असं म्हणणं आहे की, म्हणजे माझं ते, आय हॅव एक्सरसाइज इट इन माय लाईफ, की आय थिंक ऑन पेपर. मी विचार करतो तो कागदांवर करतो, जे विचार येतात ते लिहितो. आणि लिहिले की, म्हणजे आता ह्या दिवसात माझी 2025 पर्यंतची जी वाटचाल आहे ना, ती माझी तयार झालेली आहे. गोल सेटिंग, टार्गेट, अचीवमेंट, मला काय काय करायचं आहे, ते 2025 पर्यंत रोडमॅप माझा तयार आहे. आणि म्हणजे सर्व गोल सेटिंग झालेले आहेत. मी काही व्हिडिओज बनवून युट्यूबवर अचीवर्स कॉलेजच्या चॅनलवर टाकलेले आहेत. बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना मोटिवेट केलेलं आहे. मुलं परीक्षाविषयी घेऊन खूप कन्फ्युज आहेत. तर त्या वारंवार मी झूम मिटिंग घेऊन युट्यूब वरून सांगत असतो की बाबा टेन्शन घेऊ नका, जे होणार ते चांगलं होणार. आणि जे सांगितलं होतं तेच झालं की परीक्षा कॅन्सल झाल्या आणि आपोआप पास झाली मुलं. शाहरुख खान त्याच्या एका पिक्चर मध्ये जो डायलॉग सांगितलाय ना, किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है उसे तुम्हें दिलाने में. तर मला विद्यार्थ्यांना सांगायचं आहे की यू थिंक ऑन पेपर, राईट युअर विश लिस्ट अँड गिव्ह इट टू द गॉड. And God is there, or nature is, or universe is there to fulfill all the wishes that you write. So that is what I want to say.
पण महेश सर आता ह्याच्या पुढे कसं मुलं हँडल करतील? आता बघा अजून कॉलेज लवकर स्टार्ट होणार नाही, आता हे वर्ष पूर्ण त्यांचं पूर्ण म्हणजे सगळं सेटअप व्हायलाच जाणार आहे, मग पुढे कसं होईल यांचं? नाही नाही असं काय जाणार नाहीये. आता सर्व मुलांना पुढच्या वर्गात टाकण्याचे आदेश आलेले आहेत गव्हर्नमेंट कडनं, सो ते ऑटोमॅटिक पुढच्या वर्गात गेलेले आहेत. नंबर वन. नंबर टू, जून 10 किंवा 15 जून पासून सर्व शिक्षकांना आदेश देण्यात आले की तुम्ही ऑनलाईन लेक्चर घ्यायला सुरुवात करा. म्हणजे मुलं आता ऑनलाईन शिकायला सुरु करतील आणि बाय जुलै 15 ऑर 1 ऑगस्ट दे विल अगेन जॉईन कॉलेज. कॉलेजमध्ये सर्व तयारी झालेली आहे, सॅनिटायझेशन आम्ही करतोय, सगळी व्यवस्था करतोय, ऑनलाईन टीचिंगची तयारी करतोय, शिक्षकांना ट्रेनिंग दिलेलं आहे, विद्यार्थ्यांनी फक्त आपला मोबाईल घेऊन बसायचं आणि गेम न खेळता लेक्चर ऐकायची. दॅट इज देअर ड्यूटी. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे तुम्ही आता बोललेले आहेत, कारण की सध्या मुलांमध्ये पबजी हा गेम खूप मोठा झालेला आहे. यस यस यस. आणि मोबाईलचा राईट, यस मोबाईलचा राईट युज करण्याचे दिवस आलेले आहेत. सो यू शुड लर्न ट्रेन युअर सेल्फ, देन ओनली यू विल गेन इन द अँड सर्व्हाइव्ह इन द फ्युचर लाईफ. परफेक्ट परफेक्ट. प्रीता मॅम तुम्ही काही सांगत होतात आता? हो, मी आता आपल्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मी विद्यार्थ्यांना असं सांगेन की आता लॉकडाऊन मुळे जरी लॉकडाऊन संपल्यानंतर आणि कोरोना सोबत तर आपल्याला राहायचं आहे, ही मानसिकता करूनच विद्यार्थी आता म्हणजे सेफ डिस्टन्स पण ठेवायचं आहे. मग काही विद्यार्थी शाळेमध्ये येणार नाहीत, कॉलेजमध्ये जाणार नाहीत, पण अशा वेळेत मी विद्यार्थ्यांना असं सांगेन की त्यांनी ऑनलाईन लर्निंग वरती भर द्यावा. आमच्यातले बरेच असे शिक्षक आहेत की जे आता ट्रेनिंग घेऊन किंवा ऑनलाईन टीचिंग सुद्धा आता सुरू केलेलं आहे प्रत्येक कॉलेज महाविद्यालयामध्ये. आज 22 मे आजच लॉन्च महाराष्ट्र सरकारने महाकरिअर गायडन्स पोर्टल आजच पोर्टलचं उद्घाटन केलेलं आहे. आपले शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड मॅडम यांनी आज उद्घाटन केलेलं आहे. या वेबिनारचा फायदा, सॉरी या पोर्टलचा फायदा इयत्ता 9वी ते 12वी पर्यंत जे आपले 66 लाख विद्यार्थी आहेत महाराष्ट्रामध्ये, तर या सर्व विद्यार्थ्यांना याचा निश्चितच फायदा होईल. या पोर्टलच्या सहाय्याने ते स्वतः सेल्फ स्टडी करू शकतात. ऍज अ टीचर म्हणून टीचर सुद्धा ऑनलाईन जाऊन विद्यार्थ्यांना गाईड करणारे शिकवणार आहेत. आणि विद्यार्थ्यांनीही मोबाईलचा गैरवापर न करता आपल्या सेल्फ लर्निंग प्रोसेसमध्ये ऑनलाईन प्रोसेसचा ऑनलाईन लर्निंगचा त्याची जोड आता आपल्याला घेतली पाहिजे. आणि हे त्यांनी आवर्जून माइंडसेट आपलं केलं पाहिजे की मला आता ऑनलाईन लर्निंग करायचं आहे, ना की मी पबजी खेळणार आहे, ना की मी व्हायबल होणार आहे, दुसऱ्या वेगवेगळ्या गेम्स असतात, तिकडे डिस्ट्रॅक्ट न होता मुलांनी ई लर्निंगचा ध्यास आता घेतला पाहिजे आणि त्या दृष्टीने त्यांनी माइंडसेट करणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं. बराबर आहे सर. हर बच्चे के ऊपर शिक्षक का हाथ रहता है. हमारे साथ पास 2-3 शिक्षक है. एक है दिनेश गुप्ता सर जी, एक है महेश भिवंडीकर सर और एक है स्मिता मॅम. तर दिनेश सर आपण ह्या म्हणजे आज माइंड सेटअप बद्दल तुम्ही आज लोकांना जे सांगितलं तसं, पण समजा काही जे लोक आहेत की जे आता नेगेटिव्ह विचार करतात, जे अपसेट झालेत, म्हणजे कोणत्या ना कोणत्या गोष्टीमुळे थोडस ते म्हणतात एक लॉंग डिस्टन्स म्हणजे थोडं मागे जातात, तुम्ही त्या लोकांना काय सांगणार? खूप चांगला प्रश्न विचारलाय मॅम, आशा मॅम, आणि ह्यामधून तुम्हाला 10 पैकी 10 मार्क मी देणार. कारण कसं आहे, हा प्रश्न हा निगेटिव्ह हा असा आहे ना, निगेटिव्ह हा ऑटोमॅटिकली क्रिएट झालेला आहे. देवानी आम्हाला पॉझिटिव्ह बनवलेला आहे, आम्ही सर्व पॉझिटिव्ह साठी इथे आलेलो आहे. आणि सकारात्मक याने आनंद हमारा मेन स्रोत है. हम लोग बोलते ना सत चित आनंद, ये हमारा मेन स्रोत है. लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम लोग इतने कंफ्यूज हो गए ना लाइफ में, बहुत सारे नकारात्मकता से घिर गए. हर तरफ जाएंगे तो नकारात्मकता ही देखने को मिलती है. तो मैं उसको ऐसे लोगों को मैं हमेशा मेरी कहानी सुनाता हूँ. आपका परमिशन है क्या मैम? बिल्कुल सर. अच्छा, मैं ITI में पढ़ता था, ITI टर्नर में पढ़ता था. अब मैं आपको बता रहा हूँ माइंड सेट, यानी आज के दिन माइंड सेट क्यों बनाया गया. और माइंड सेट के लिए मैं हमेशा लोगों को जागृत करता रहता हूँ. अभी तक 60,000 लोगों के बीच में मैं गया हूँ. 17 देशों में मैं प्रोग्राम ले चुका हूँ और हमेशा चालू रहता है. रोज वेबिनार, कहीं ना कहीं सेमिनार चलते रहता है. और सर्वाना भी फक्त एवढं सांगतो की मी पहिले ITI मध्ये शिकत होतो. ITI टर्नर था मैं. हाथ काला करने का काम करता था मैं. लेथ मशीन चलाता था 1 साल 2 साल 3 साल लेथ मशीन चलाया. और इसी तरह से कोई एक पर्सन वहां पर आया जिसने अपना लाइफ चेंज कर दिया. ऐसी एक सेमिनार मैंने अटेंड किया, मुझे मालूम नहीं था वो कौन थे. वो मैंने उनका सेमिनार अटेंड किया और उन्होंने बोला
कि आईटीआई करने के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं। उस दिन मेरे लाइफ में क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उस दिन माइंडसेट हो गया आशा मैडम, उस दिन एक माइंडसेट हो गया कि आपल्याला आता डिप्लोमा करायचा आहे। आणि त्यानंतर माझी ती एक दुसरा मेरा जो है ना दुसरा लाइफ का दुसरा टर्निंग पॉइंट सुरू हो गया और मैं साबू सिद्दीक में मेरा एडमिशन हो गया पार्ट टाइम में। पार्ट टाइम 4 साल का था, 4 साल निकालने के बाद गोल्ड मेडल लेके बाहर निकला, गोल्ड मेडल लेके इंजीनियरिंग में बाहर निकला। फिर उसके बाद डिग्री किया, फिर उसके बाद आईआईटी बॉम्बे, यानी आईटीआई से अपन ने शुरुआत किया था। अब माइंडसेट रखा था आईआईटी मुंबई में जाने का, तो आईआईटी मुंबई में अपना पहला साल नहीं हुआ, दूसरे साल अपना आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन हो गया। तो फिर ये जो कहानी बनी ना मैम आईटीआई से लेके आईआईटी तक, और उसके बाद फिर एमटेक, फिर उसके बाद फिर बहुत सारी कंपनी में काम करने का मौका मिला। मैं टर्नर से चालू करके असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर उसके बाद एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर, और उसके बाद पीएचडी, एक पीएचडी, दो पीएचडी, फिर डीलिट, ये सब करते करते एक चीज समझ में आया कि अगर आदमी माइंडसेट कर लेगा ना तो परिस्थिति कैसे भी होने दीजिए, परिस्थिति कैसे भी होने दीजिए, एक सी हो मनस्थिति। अगर आज मुझे एक लाइन बोलना पड़े आज के दिन, तो कैसी भी हो परिस्थिति एक सी रहे मनस्थिति। आपका मनस्थिति एक सा होना चाहिए, माइंडसेट एक सा होना चाहिए। उसके लिए सिर्फ दो काम कीजिए, क्योंकि माइंडसेट जो होता है ना ये हमारे लाइफ में हमें रियलाइजेशन कराता है। अगर आप माइंडसेट कर लेते हो तो आपके लाइफ में एक रियलाइजेशन आता है, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जो मैं 7 दिन का प्रोग्राम लेता हूँ, आज जिसका पहला दिन है, आज फेसबुक का जो यानी हमारा तीसरा बैच का आज पहला दिन है जिसमें 60 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और रोज आते हैं, रोज नए नए बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आपके लाइफ में रियलाइजेशन लाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, और उसके बाद आपको स्टेबलाइजेशन कर देगा। यानी जिसको हम लोग साक्षात्कार बोलते हैं ना, साक्षात्कार बोलते हैं, या अपने लाइफ में स्टेबलाइजेशन जिसको बोलते हैं, जो गौतम बुद्ध को, सिद्धार्थ, गौतम और बुद्ध, ये तीन अवस्था है और हर इंसान ये तीन अवस्था से जाता है, लेकिन कुछ लोगों को याद नहीं रहता है। तो माइंडसेट में आपको यानी आज आपको माइंडसेट सेट करने के लिए दो चीज करना है। एक, सबसे पहले हर चीज को स्वीकार कीजिए, आपके लाइफ में जो भी चीज आ रही है उसको स्वीकार कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए, जो एक्सेप्ट नहीं हो रहा ना मैम उसको भी स्वीकार कीजिए, और उसको स्वीकार करने के बाद थैंक यू बोलिए। जितना आप थैंक यू बोलेंगे आपके लाइफ में, जितना आप ग्रेटिट्यूड की भावना में रहोगे आप उतने शांत रहोगे। ये निगेटिव से बाहर निकलने का बस यही दो चीज है, एक तो स्वीकार कीजिए कि अगर कोई बीमारी हो गई तो स्वीकार कीजिए, सबसे पहले स्वीकार कीजिए। हमारे एक रिलेटिव को कोरोना हो गया मैम, मेरे भाई के ससुर हैं, उनको कोरोना हो गया है। अब वो होने के बाद वो सब टेंशन में थे, हम लोग उनको समझा रहे कि इसमें केवल 100 में से केवल 2 या 3 ही लोग जाते हैं, कोई इसमें घातक बीमारी नहीं, बस आप गर्म पानी पीते रहिए, आप वो काढ़ा पीते रहिए, आप वो हल्दी डाल के पीते रहिए, और कुछ दवाई आया होम्योपैथी का वो लेते रहिए, बस कुछ अपना इम्यून पावर बढ़ाते रहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है पॉजिटिव सोचते रहिए, धन्यवाद दीजिए। तो ये काम करना बहुत जरूरी है, दो चीज करिए बस, एक स्वीकार कीजिए और दूसरा धन्यवाद दीजिए। और मैं खुद मेरे माइंडसेट का बेस्ट एग्जांपल मैं आपके सामने, हर बच्चे को मैं बताता हूँ कि मैं इस तरह से हमने हमारी पढ़ाई करते करते आईआईटी बॉम्बे और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद पीएचडी वहां तक पहुंचे। मुझे कभी मैंने सोचा नहीं था कि हम लोग ये सब कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का एक लाइन था कि माणसाने जर आयुष्यभर शिकण्याचा ध्यास घेतला तरी तो शिक्षणाचा गुडघ्यापर्यंत पोहोचतो। एक एक्सरसाइज मैं कराता हूँ हमेशा बच्चों से, अभी उसने बताया, अभी महाजन ने सोहम ने बताया कि मैं एक्सरसाइज कराता हूँ। अभी इसमें से आप लोग को जितने तमाम व्यूवर है सबको देखना है कि लाल रंग का रिंग कितना है, लाल रंग का रिंग कितना आपको देखना है। मैडम आप देख रहे हैं लाल रंग का रिंग? हाँ सर। हाँ, लाल रंग का रिंग कितना आपको देखना है बताइए, कितना था लाल रंग का रिंग? कितना था? 5 है। 5 था। अब ये बताइए पीले रंग का रिंग कितना था? पीले रंग का रिंग कितना था? वो नहीं देखा मैंने, खाली 5 वो नहीं देखा। हाँ, तो याद रखिए लाइफ में हमको वही मिलती है जिस पर हम फोकस करते हैं। अभी सर ने कहा ना, हमारे भिवंडीकर सर ने कहा, बहुत बड़ी बात कही, हमको लाइफ में वही चीज मिलती है। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं इस सब चीज से गुजर चुका हूँ। मैं जब फॉरेन जा रहा था मॉरिशियस 2006 में पहली बार, तो मेरी माँ बोलती है तेरा सेठ पागल हो गया है क्या? मतलब क्यों? नहीं, तुझे वो भेज रहा है उधर। यानी इतने अच्छे अच्छे टीम थे, इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े कॉन्वेंट के पढ़ने वाले बच्चे थे, और मैं हिंदी मीडियम का ये काला तालाब में महंत कमल दास हिंदी स्कूल का स्टूडेंट को वहां पे भेज रहे थे। तो सब कुछ माइंडसेट होता है। और जिस दिन आपने सोच लिया, सर ने एक डायलॉग भी बोला था कि इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की, हर जर्रे जर्रे ने उनसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं किसी चीज को दिल से चाहो, विश्वास से चाहो, मन से चाहो, तुम से मिलाने में जुट जाती है। आप सबका शुक्रिया, आपने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया।
तो जिस दिन आप ये सेट कर लेते हैं, जिस दिन आप सेट कर लेते हैं कि मला हे काहीतरी करायचं बस, फिर आपकी परिस्थिति कुछ भी होने दीजिए, फिर आप में इंग्लिश आता है कि नहीं आता है, हिंदी आता है कि नहीं आता है, गुजराती आता है कि नहीं आता है, उस चीज को आप हासिल कर लोगे, उस चीज को आप हासिल कर लोगे। एक और मैं एक्सरसाइज कराता हूँ हमेशा, हमारा जो फिजिकल लाइफ है ना, फिजिकल लाइफ, बाहर की दुनिया जो है ना मैम, ये हमारे अंदर की एक चीज से, ये हमारा माइंड सेट है पूरा, ये माइंड है, ये इमोशन है, ये सोल है, ये बाहर की दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब होता है। जैसा हम अंदर से रहते हैं ना, वही हमारे हमें बाहर रिफ्लेक्ट होते रहता है। तो ये भी चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। मैं हर बच्चे को बताता हूँ, मेरे साथ सुजीत है, मुझे 2006 में मेरी पहली किताब पढ़ के वो मुझे ज्वाइंट हुआ था, बोले सर आपके साथ अच्छा लगता है, आपने किताब लिखी। 2006 में मैम मैंने पहली बार किताब लिखी थी। अभी मैंने जो किताब लिखी, मेरी 9वीं किताब आ गई, जिसको अमेजोन ने बेस्ट सेलर किताब कहा है। बहुत सारी पहला एडिशन खत्म हो गया है, जिसको अमिताभ बच्चन को मुझे मिलना था। बुधवार को मैंने सोचा अमिताभ बच्चन को मिलना है, और शनिवार को मैम आप यकीन नहीं करोगे, मैं शनिवार को उनके साथ में था, कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर, मैं अमिताभ बच्चन के साथ पर मेरी किताब में उनको दे रहा था। तो शायद फोटो भी रहेगा आपको, मैं बाद में शेयर कर लूंगा। आप दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड डालेंगे तो ऐसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुआ। आज मैं भी यह जगह पे बैठी हूँ ना सर, तो मेरे सबसे गुरु रहेंगे महादेव पंजाबी सर, सेकंड रहेंगे श्याम फुलवाड़े। मैं बताना चाहता हूँ मैडम, वो मेरे भी गुरु है। मैंने एक अखबार चालू किया था, अभी भी है, आरएनआई सफलता की उड़ान, और उसके लिए मुझे पंजाबी सर ने ही पूरा मदद किया था। वो आरएनआई कैसे रजिस्टर करते हैं उन्होंने मुझे बताया था। नहीं वो गलत होंगे ना, फिर भी बोलते कि नहीं अच्छा किया है, करो अच्छा है, करो बराबर बराबर अच्छा है, ठीक है। और सेकंड जो है श्याम दादा, उन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया है, क्योंकि वो बोलते हैं एक बार गलती होगी, दो बार होगी, थर्ड टाइम नहीं होगी। बराबर, आज मैं इस जगह पे जो बैठी हूँ तो उनके दोनों की वजह से बैठी हूँ। नहीं उनके दोनों के अलावा मैम उसके द्वारा आपका माइंडसेट भी था, आप सबसे इम्पोर्टेंट आपके अंदर भी चीज थी, क्योंकि जब आप गुरु की तलाश करते हो ना तो आपको गुरु मिलते हैं। याद रखिए, ये जो चीज बता रहा हूँ, ये फिजिकली वर्ड जो है ना, ये फिजिकली वर्ड, ये तीन चीज का रिफ्लेक्शन है। जब अंदर से प्रार्थना निकलती है ना बहुत स्ट्रांगली, तब आपके लाइफ में वो चीज होने लगती है बड़ी शिद्दत से। ये डायलॉग को आप सुनिएगा बहुत ध्यान से, आंखें बंद करके, बड़ी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की, ये शिद्दत शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद, और भी लोगों को बोलना है यहाँ पे, क्षमा चाहता हूँ मैंने ज्यादा समय लिया। आपने जो बोला अभी माइंड सेटअप करो पहले, तर वेळ झाली आता निरोप घेण्याची, उद्या परत भेटूया दुसरा।